उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ 8 सितंबर को पहली बार राजस्थान के दौरे पर आए। वे सुबह 9 बजे झुंझुनू स्थित अपने पैतृक गांव किठाना पहुंचे, जहां हेलीपैड पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर गांव में खुशी की लहर रही। उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन किया, इसके बाद स्कूल भवन की नींव रखी। जगदीप धनखड़ जोड़िया बालाजी मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद गांव के ठाकुर जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि ठाकुर जी मंदिर का जीर्णोद्धार भी उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ही करवाया है। मंदिरों में दर्शन के पश्चात वे किठाना स्कूल में स्कूल भवन का शिलान्यास करने गए। उसके बाद वहां से अपने फार्म हाउस के पास स्थित चौक पहुंचे, जहां उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात रहे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना गुरुवार को राजस्थान के दौरे पर रही। उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की। इससे पहले वे दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। यहां राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और मुख्य सचिव उषा शर्मा ने उनका स्वागत किया। राजस्थान के पारंपरिक कलाकारों ने लोक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान वे खुद को नहीं रोक सकी और कलाकारों के साथ एयरपोर्ट पर ही डांस किया। शेख हसीना की यात्रा के समय दरगाह को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह खाली करा दिया गया। शेख हसीना के गुजरने के दौरान सड़क से निकलने वाली गलियों को भी बंद कर यातायात को डायवर्ट कर दिया गया। बांग्लादेश प्रधानमंत्री के साथ उनकी कैबिनेट के 30 से ज्यादा मंत्री और रिश्तेदार भी मौजूद थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें राजस्थान की तनिष्का ने 99.99% अंक हासिल कर देश भर में फर्स्ट रैंक हासिल की है। दिल्ली के आशीष पत्रा सेकंड और कर्नाटक के नागभूषण गांगुली तीसरे स्थान पर रहे। तीनों ही स्टूडेंट्स को 720 में से 715 नंबर हासिल हुए। स्टूडेंट्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nt.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तनिष्का हरियाणा की रहने वाली हैं और 2 साल से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 17 जुलाई को देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 का आयोजन किया था। इस परीक्षा में शुरुआत से ही गड़बड़ियों का क्रम लगातार जारी रहा, जिसमें अब फाइनल आंसर की और रिजल्ट में भी गड़बड़ी नजर आ रही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2 प्रश्नों को सही ठहराया गया है। बुधवार देर रात परिणाम जारी होने के साथ ही फाइनल उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई। इन्हीं फाइनल उत्तर तालिकाओं के आधार पर परिणाम तैयार किया गया है। फाइनल उत्तर कुंजी के अनुसार क्वेश्चन पेपर में केमिस्ट्री विषय के 1 प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 5 दिया गया है, जबकि किसी भी प्रश्न के उत्तर के 4 ही विकल्प दिए गए होते हैं। वहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित प्रश्न तथ्यात्मक रूप से गलत है और भौतिकी के मूल सिद्धांतों की अवमानना कर सकता है। इसके बावजूद भी एनटीए ने इसे सही करार दिया है। ऐसे में संभावना है कि विद्यार्थी और अभिभावक इसके विरोध में न्यायालय की शरण लें। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक पदों के लिए हुई परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लाइव स्टॉक असिस्टेंट पदों की परीक्षा दी है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कैंडिडेट्स को RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है rsmssb.rajasthan.gov.in। सीकर जिले के खाटू श्यामजी इलाके के गोर्धनपुरा गांव में बुधवार रात को बारात में आए लोगों ने आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग कर दी। इस दौरान बदमाशों ने एक युवक का अपहरण भी कर लिया और उसके पैर तोड़कर भदाला की ढाणी में सड़क किनारे पटक गए। अचानक हुई घटना के बाद शादी में एक बार की अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। वहीं जिस युवक के साथ मारपीट हुई वह गाड़ी में सवार होकर घोड़ी पर बैठे दूल्हे के पीछे चल रहा था। हालांकि पुलिस अभी फायरिंग जैसी घटना से इनकार कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के श्यामनगर थाने में 40 यूथ विंग के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ 2,50,00,000 रुपए से अधिक की ठगी करने का मामला दर्ज करवाया गया है। धीरेन्द्र सिंह के अलावा उनकी पत्नी सोनम कंवर, संजीव कुमार सांगी और राजीव कुमार सांगी पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। श्यामनगर थाना अधिकारी श्री मोहन मीणा ने बताया कि टोंक रोड निवासी शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई है। धौलपुर में बीएड का एग्जाम देने जा रहे बाइक सवार 4 स्टूडेंट्स को ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर घायल 2 स्टूडेंट्स में से 1 ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। हादसे में घायल 4th युवक का ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 4 युवक शहर के निजी कॉलेज में बीएड के स्टूडेंट थे। इनका राजकीय कन्या महाविद्यालय में गुरुवार सुबह
पेपर था जिसके लिए सभी एक ही बाइक पर सवार होकर मनिया से धौलपुर शहर आ रहे थे। राजस्थान में अभी मानसून विदा नहीं हुआ, लेकिन बारिश का सिलसिला धीमा पड़ने से गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो प्रदेश के 14 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। सबसे ज्यादा 7.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान धौलपुर में बढ़ा है। प्रदेश के 4 शहरों को छोड़ दें तो सभी जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहा। दिन ही नहीं बल्कि रात में तापमान बढ़ने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने 11 सितंबर से गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, फलौदी में 1 से 1.5, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, नागौर में 2, झालौर में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी धौलपुर जिले में हुई, जहां 24 घंटे में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 39 डिग्री पर पहुंच गया।